हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम देबाशीष जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1938 में खेली गई गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी पॉल कैरेस और जोसे राउल ब्लांका के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टेक्टिकल गेम है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ E4 के साथ पॉल कैरेस ने शुरू किया, E6 फ्रेंच डिफेंस यहाँ ब्लांका ने खेला, देन हुआ D4, D5, नाइट D2 फ्रेंच डिफेंस ट्रैश वेरिएशन, C5, E takes D5, E takes D5, then knight at G goes to F3, then knight to C6, queen गई, sorry bishop B5, knight को यहाँ पिन किया, then queen गई E7 square पर एक check देने के साथ, तो bishop को वापस लेना पड़ा E2 square पर, then हुआ C takes D4। उसके बाद white ने यहाँ castle किया, queen गई C7 square पर, then knight B3, bishop D6, then knight at B takes D4, A6, then B3, नाइट एट जी गोज टू E7, देन बिशप B2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट टेक C6, B takes C6, देन हुआ C4, तो बिशप आया E6 स्क्वायर पर, यहाँ प्रेशर बनाकर रखने के लिए या लीड बनाकर रखने के लिए C4 स्क्वायर पर, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन D takes C4, Bishop takes C4, Bishop takes C4, Queen takes C4, काफी कुछ मेटल एक्शंस यहाँ C4 स्क्वायर पर हो चुका है। रुक एट F गोज टू B8, देन हुआ H3, तो रुक B5, देन रुक C1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह की इमीडिएट थ्रेट है अभी नजर नहीं आ रहा है। रुक C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक एट F गोज टू D1, और यहाँ क्या किसी तरह का कुछ एडवांटेज मिल सकता है इस बिशप के साथ, अगर रुक जो डी फाइल में आया उसकी वजह से मिल सकता है, लेकिन अगर ब्लैक यहाँ अपने रुक को C5 स्क्वायर पर प्लेस करे और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर व्हाइट को फायदा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट यहाँ से अपनी क्वीन को ले जाएगा G4 स्क्वायर पर, और कह सकता हूं कि मैं यहाँ वो चेक मेट की थ्रेट दे रहा होगा, तो ब्लैक के लिए फोर्स मूव है अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर लेकर जाने का। अब व्हाइट यहाँ रुक टेक्स D6 कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि क्वीन कम से कम इस रुक को नहीं ले सकती, अदरवाइज यहाँ ब्लैक का ये रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा। ब्लैक ज्यादा ज्यादा रुक टेक्स C1 चेक करेगा, बिशप टेक्स C1 एंड दैट्स इट। खैर, यहाँ हुआ था नाइट G6, पहले ही यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, यहाँ इस रुक पर अटैक बनाने के लिए, तो रुक गया B6 स्क्वायर पर, क्योंकि इस पॉन का भी डिफेंस करना जरूरी है। नाइट E6, और फ्रेंड्स ये मूव आखिर कहां से निकल कर, क्या वजह है यहाँ पर इस नाइट को सेक्रीफाइस करने की? सिंपल, यहाँ व्हाइट को ब्लैक का भी पॉन जीतने का मौका मिलेगा। कैसे? कि अगर यहाँ F takes C6 ब्लैक करता है, तो क्वीन टेक C6 चेक होगा कि H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक D6, और अगले मूव में यहाँ क्वीन, और मैं कह सकता हूँ कि चेक मेट की बहुत डेंजरस थ्रेट होगी, लेकिन ब्लैक मैनेज कर सकता है उस चीज को। खैर, यहाँ फिलहाल क्वीन पर भी अटैक है, तो यहाँ कप्लांका ने अपने क्वीन को लिया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5, और नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन एफ पॉन को लेने की पूरी थ्रेट है, तो रुक गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G4, बिशप F4 स्क्वायर पर, नाइट पर यहाँ प्रेशर है, नाइट एक्सचेंज करने की कोशिश है, रुक पर भी साथ के साथ अटैक है, तो रुक गया C6 C4 स्क्वायर पर, देन रुक B5, नाइट पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाया, लेकिन नाइट टेक्स F7। फ्रेंड्स, एक और डेडली डेंजरस, यहाँ इस F7 पॉन को किस कैलकुलेशन के हिसाब से आखिर व्हाइट ने ले लिया है? अगर यहाँ कपब्लांका किंग टेक्स F7 करेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आती है। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, तो रुक D7 चेक पहले व्हाइट कर सकता है, और अगर यहाँ मैं कहूंगा कि अगर ये नाइट वापस जाएगा, तो रुक से एक और चेक आ सकती है जो और प्रॉब्लम दे सकती है ब्लैक को, तो यहाँ होगा किंग F8, देन होगा बिशप टेक्स G7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन होगा क्वीन E6 चेक, नाइट बीच में लग भी गया, देन क्वीन टेक्स E7 चेक, और यहाँ ये मेट। खैर, यहाँ हुआ था रुक E8, दैट्स ओके, लेकिन G3 यहाँ पहले बिशप पर अटैक बनाया, और अब ब्लैक अपने इस बिशप को कहाँ बचा, क्योंकि यहां मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर तो परफेक्ट नहीं हो सकते इस बिशप के लिए। अगर मान लेते हैं कि ब्लैक अपने बिशप को C7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, तो क्या होगा? तो होगा पहले रुक टेक C6, देन रुक E6, मान लो नाइट पर अटैक बनाने के लिए अगर ब्लैक कर भी देगा, देन होगा रुक नाइट H6 चेक, और अगर ब्लैक यहाँ G takes H6 कर गया, तो उसके बाद होगा रुक टेक्स G6, H takes G6 होने के बाद क्वीन टेक्स G6 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? F8 स्क्वायर पर ही जा सकता है। क्वीन टेक्स H6 चेक होगा, किंग को G8 स्क्वायर पर आना ही होगा, अदरवाइज यहाँ क्वीन से चेक मेट भी हो सकती है।
क्वीन एच एट चेक यहां पर वाइट करेगा, किंग को एफ सेवन स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन क्वीन जी सेवन चेक होगा, अब किंग कहां जाए, आइदर ई सिक्स या ई एट, दोनों ही सूरतों में चेकमेट होगी, क्योंकि अगर किंग ई सिक्स स्क्वायर पर आया तो क्वीन एफ सिक्स चेक, और अगर क्वीन किंग ई एट स्क्वायर पर गया तो क्वीन जी एट चेक और मेट। और मान लेते हैं कि ब्लैक अगर यहाँ अपने बिशप को ई फाइव स्क्वायर पर लेकर जाए आस्किंग फॉर सम मटेरियल एक्सचेंज, लेकिन यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो एक बहुत ही शानदार टैक्टिक्स में यहाँ व्हाइट के लिए कहूंगा, व्हाइट यहाँ अपने रुक को डी एट स्क्वायर पर ले जा सकता है, क्वीन और रुक पर अटैक बना सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एफ सेवन अनोइंग नाइट। और मान लेते हैं रुक टेक्स डी एट यहाँ पर ब्लैक करे तो क्वीन को ई सिक्स स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक बनाने की कोशिश व्हाइट करेगा। और अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ सपोज अपने रुक को मूव कर लेगा, इधर चेक दिया, कुछ भी करे, यहाँ से नाइट एच सिक्स चेक यहाँ पर व्हाइट कर सकता है, डबल चेक होगी, किंग को एच एट स्क्वायर पर लेकर ही जाना होगा, क्वीन जी एट चेक होगा, रुक टेक्स जी एट होने के बाद नाइट एफ सेवन चेक और यहाँ ये मेट। खैर यहाँ एक्चुअल में गेम में हुआ था क्वीन सी एट आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन रुक टेक्स एफ फोर, यहाँ बिशप गया ब्लैक का, क्वीन टेक्स जी फोर देन रुक टेक्स जी फोर, ऐसा लगता है कि बिशप एक्स्ट्रा मिल चुका है ब्लैक व्हाइट को, लेकिन किंग टेक्स एफ सेवन, तो यहाँ पर पॉल कैरिस ने रुक से चेक दी, उसको डी सेवन स्क्वायर पर ले जाकर रुक बीच में लगा, देन रुक टेक्स ई सेवन विद चेक, किंग टेक्स ई सेवन, बिशप टेक्स जी सेवन, और रेस्ट मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटी भर है। रुक ए फाइव स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने किया, ए टू वन पर अटैक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए फोर यहाँ व्हाइट का मूव ऑब्वियस है, रुक गया सी फाइव स्क्वायर पर, देन रुक बी फोर, तो किंग ई सिक्स स्क्वायर पर, और अब क्या करना है यहाँ पर व्हाइट को, सिर्फ मटेरियल एक्सचेंज करना है इस गेम को जीतने के लिए, किंग गया जी टू स्क्वायर पर, देन एच फाइव, रुक सी फोर, रुक एक्सचेंज ऑफर, देन रुक टेक सी फोर, बिशप बी टेक सी फोर, देन किंग गया डी सिक्स स्क्वायर पर, एंड दैट्स इट, यहाँ फाइनल मूव था एफ फोर का पॉल कैरिस के द्वारा। और यहाँ इस मूव के बाद कैसब्लांका ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स ऑब्वियस है, अगले कुछ मूव्स में क्या होने वाला है अगर ब्लैक यहाँ इस सी फोर पॉन को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो। वेल फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।